गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन सुपर वुमन। आज मैं आपके साथ एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से एक पीवीसी पाइप पड़ा हुआ था और मैं उसको यूज़ में लाना चाहती थी, और उससे मैं क्या बनाऊँ ये सोचते हुए मैंने कुछ बनाया जो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। यानी कि मैंने इससे एक वास बनाया है, फ्लावर पॉट या वास बोल सकते हैं आप। तो ये मैंने कैसे बनाया ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके सामने और ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ और DIYs और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के आइडियाज़ लाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही है वो PVC पाइप। इसमें सिर्फ मैंने इसका एक साइड का जो कवर है वो मैंने हार्डवेयर से ख़रीद के लाया है, जो आपको करीबन 30 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आपको हार्डवेयर में करीब 25 रुपये में 1 किलो का पैकेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस पीवीसी पाइप के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने 1.5 किलो इस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो POP लिया है, उसमें मैं पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बनाऊँगी। ये पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही होनी चाहिए। और पानी जब आप इसमें ऐड करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना। तो यहाँ पर मेरा ये पेस्ट रेडी है। अब ये जो पेस्ट है हम इस पीवीसी पाइप पर लगाएंगे, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत ही स्मूथली लगाना है, आप इसे बहुत ही रफली लगा सकते हो, लेकिन एक थिक लेयर हमें इस पर लगाना है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इसे कैसे लगाया है। ये आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको स्मूथनेस ही चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मेरा ये आइडिया है कि मैं इसे एक पेड़ के तने का लुक देना चाहती हूँ। इसीलिए जैसे कि पेड़ का तना होता है बहुत ही रफ़ लुक होता है, वैसे ही मैंने इसे एक रफ़ लुक दिया है। और इस पर आप देख पा रहे हो ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने फोक से किए हैं ताकि एक पेड़ के तने के जैसा लगे। तो आप क्लोजली देख सकते हो, ये आप एक फोक लेकर सिर्फ स्ट्रेट लाइंस आप इस पर बना सकते हो, लेकिन आपको ये तभी करना है जब ये जो POP है थोड़ा सा वेट होता है, तभी करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। उसके बाद ये मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है ब्राउन कलर में। अब हम इस पेड़ के तने को कलर करेंगे। ये मैंने पेंट लिया, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस पेड़ के तने पर लगा देंगे। एक बार ये पेंट लग जाए तो इसमें और भी अच्छा लुक आएगा और एक नेचुरल लुक लगेगा पेड़ के तने का। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पेंट कर रही हूँ इसमें वो लुक आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पर वो लाइंस बनाए हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो पेड़ का तना है PVC पाइप से जो हमने बनाया है वो रेडी है। आप क्लोजली देख सकते हो ये एग्जैक्टली एक पेड़ के तने की तरह ही लग रहा है, और ना कोई मेहनत है इसमें ज़्यादा, और बहुत ही कम खर्चे में, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो हम बोल रहे हैं, जो घर में कुछ पड़ा हुआ था उसी से मैंने ये बनाया है। अब ये जो इसके अंदर का जो पार्ट है वो बहुत ही हॉलो है, तो इसे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूज़पेपर जो हमारे पास पड़े होते हैं उन न्यूज़पेपर से मैंने पेपर बॉल्स बनाए हैं, और ये जो पेपर बॉल्स हैं हम इसमें डाल देंगे। और बहुत ही ऊपर तक हमें नहीं भरना इन पेपर बॉल्स को, हाफ तक ही भरना है। और ये हमारा फ्लावर पॉट रेडी है। ये कोई भी गेस नहीं कर सकता कि ये एक PVC पाइप से हमने बनाया है, ये एग्जैक्टली एक पेड़ के तने की तरह, यानी कि वुड लॉग आप बोल सकते हो या ट्री ट्रंक बोल सकते हो, ये एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी।